I'm Pratik Bajaj, and I'm from Panipat, Haryana. I came to know about this class from Sir's YouTube channel. So the best qualities on Sir about this class, Sir की personal level की जो qualities हैं, वो बहुत effective हैं. Sir उसका एक simple सा example है कि जब Sir कोई joke से समझाते हैं, किसी भी मजाक से समझाते हैं, तो मुझे बहुत connecting feel होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था college में, तो मुझे हंसी आ जाती है. और उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर एज अ टीचर अगर मैं किसी को जाके समझाऊं कि लोगों के साथ मजाक उतना ही करना होता है जितना वो झेल पाए, बेसिकली टॉलरेंस लेवल देखना होता है उनका कि दे डोंट गेट हर्ट. लेकिन अगर मैं जाके समझाऊं उसे कि हर बंदे की एक बत्ती होती है और वो बंदा फट सकता है उस बत्ती से, तो ऑब्वियसली जो बत्ती वाला एग्जाम्पल दूंगा तो अब मेरी जिंदगी भर रहेगा ना मेरे साथ में. तो इसलिए सर, और ऑल्सो जैसे जब आप पढ़ा रहे थे तो ना मुझे एक मेरे टीचर थे स्कूल में, संदीप सर, उनकी याद आ गई. मतलब 8 साल पहले मिला था मैं उनसे, तो आपके साथ सर वो इतना अच्छा कनेक्ट हुआ ना एकदम से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार ये तो वो वैसे ही टीचर है, मतलब जिनको मतलब बंदा याद करेगा आगे कि भाई वो क्या पढ़ाते थे. वरना सर जैसे स्वॉट एनालिसिस किया हमने, स्वॉट एनालिसिस तो सबसे मैंने बीबीए एलएलबी करी है, वहां भी कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस, लेकिन वहां का स्वॉट एनालिसिस मुझे याद भी नहीं है क्या हुआ था क्या था. और वो 6 महीने की क्लास थी और ये 6 दिन की क्लास थी, तो ये कितनी इफेक्टिव थी सर. और कोर्स पे जो कोर्स था सर, एक्चुअली क्या है, वैसे भी किस क्लास से पहले भी ना मैं मतलब मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता रहता था सेल्फ अवेयरनेस वीडियोस. तो सेल्फ अवेयरनेस वीडियो सर यूट्यूब पे जितनी भी नॉलेज है ना सर, वो सारी स्पिरिचुअलिज्म से रिलेशन है उनका, जो मैं करना चाहता था, लेकिन अब इतना यंग हूं तो इट इज नॉट ईजी टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड. तो मैं सोचता था कि चलो आई विल रीड बुक्स. तो कभी मैं सोचा ही नहीं कि ये साइकोलॉजिकल और एक साइंटिफिक लेवल से भी सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है. तो एज अ मैन ऑफ आप सर, यू योरसेल्फ इज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी और आप आर्मी भी रहे हो, तो क्या व्हेन जब कोई ऐसा आदमी बोलता है तो फिर बंदे को ज्यादा इफेक्टिव होता है कि इफ अ मोर इंटेलिजेंट पर्सन देन यू टेंड्स टू से समथिंग टू यू, यू टेंड टू बिलीव इट. तो सर इसलिए मेरे को अब मेरे माइंड में एक साइकोलॉजिस्ट मुझे इस चीजें बोल रहा है तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में बैठ रही है कि भाई ये तो सच सही बोल रहा हूँ. तो इसलिए सर एसएसबी क्लियर होगा या नहीं होगा उसकी मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि जो एसएमएल का कोर्स है ना ये मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ढूंढ रहा था. तो अगर अब वो अगर मेरा एसएसबी नहीं भी होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर इस एज में मैं 24 का हूँ, 24 की एज में स्पिरिचुअल एंगल वाली चीजें किसी और तरीके से समझ लेना ही इज अ वेरी बिग थिंग. वरना मैं सोचता था कि मेडिटेशन करूंगा तो क्या पता वो कहते धीरे धीरे होते हो, पहले 10 मिनट करोगे फिर 20 मिनट कर पाओगे फिर जाके सेल्फ अवेयरनेस होगी. तो सेल्फ अवेयरनेस तो खैर अभी भी नहीं हुई, आपने तरीका बताया, लेकिन अब मेरे को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है कि भाई ठीक है अगर वो मेडिटेशन नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये सब तो कर सकता हूँ, मतलब सोच तो सकता हूँ कि मेरे लाइफ में आज तक हुआ क्या. तो सर और जैसे कैथारसिस था वो बहुत अच्छा था, मैंने एक चीज पे ट्राई भी किया था और उससे मुझे कुछ हुआ भी नहीं, मतलब इतना फीलिंग आई भी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि भाई बार बार करूंगा तो होगा. और उससे पहले सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैथारसिस मतलब उससे डील कैसे करूं. अब एकदम से मुझे पता है कि कैथारसिस करूंगा, करता रहूंगा तो हो ही जाएगा. पहले मैं एक चीज कर रहा था नहीं हो रही थी, दो चीज कर रहा था नहीं हो रही थी, फिर मैं चल छोड़ दे सह लेंगे ऐसा हो जा रहा था. तो सर अब एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि एसएसबी होगा या नहीं होगा, क्योंकि एसएमएल हो गया मेरे लिए बहुत है. लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं एसएसबी के चक्कर में आया था और मुझे मिल कुछ और गया. तो सर पहले तो मेरा ना दो सवाल है आपसे. एक तो सवाल है कि सर 6:30 इन द मॉर्निंग का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब सुबह सुबह उठाओ बच्चों को, मतलब कि खाली दिमाग है तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव होगा ऐसे कुछ? एक्चुअली फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एक्टिविटीज लो होता है उस टाइम में, एक्टिविटीज लो मतलब उस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं, है ना. एक्चुअली तो इसको जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज हो तो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वो तो 3:30-4 बजे बोलते हैं. तो मैं इसको एक टाइम पे 5:30 बजे भी शुरू करता था, और मेरा उसके पीछे एक सेल्फिश मोटिव भी है. सेल्फिश मोटिव यह है कि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ साला, मैं कोई मेरे पे बंदिश नहीं, तो मैं खुद लेट हो जाता था. तो मैं अपने ऊपर एक प्रेशर डालने के लिए मैंने इस क्लास को इतना जल्दी रखा हुआ. और उसका दूसरा फायदा यह है कि बच्चे लोग भी, पेरेंट्स भी बड़े खुश हो जाते हैं, सर ये निकम्मा लड़का साला उठता नहीं है, अच्छा वो आपके क्लास के चक्कर में. एंड कुछ लोग उसको बाद में कंटिन्यू कर पाते हैं. यस सर,
बाद में कंटिन्यू, मतलब एक अच्छा लगता है सुबह सुबह उठे करके ना, तो वो तो 14 दिन 15 दिन या अगर SSB कर लिए तो 1 महीना रहते हैं, तो कुछ लोगों को वो आदत इतना अच्छा लग जाता है, तो सर मतलब अभी भी 6-7 महीने बोले सर तब से हमने छोड़ा नहीं है। और वो मैं भी ऑडियो भी शेयर करता, मतलब सुबह उठते ही सर वो ऑडियो पहले सुनते हैं, मन को शांत करते, घोड़े को एकदम प्रोग्राम करते हैं। तो इट इज वन, इट इज अ सेल्फिश इंटरेस्ट, इस बहाने मैं उठ जाता हूँ। हाँ सर, और दूसरा सवाल है कि मतलब मैं क्यूरियस, और मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो कि आपको ऐसा कुछ है कि सर SQL का सीक्वल, कि जिस बंदे ने ग्राफ बना लिया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, उसके लिए सर आप कुछ कोर्स बना सकते हो कि सीक्वल मतलब मतलब एक्चुअली क्या है, सीक्वल तो क्या है, इट इज जैसे देर आर स्कूल्स, एटलीस्ट 6 स्कूल्स जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उनका पूरा साल भर ये चलता है। अभी ये क्या है, ये इट्स हाई प्रेशर डोज है, ये जो करवाया मैंने स्वॉट एनालिसिस, मैं आपको क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को समझा के छोड़ दिया है। एक्चुअली छोड़ना नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें उसको असिस्ट करके उसको डेटा बाहर करके इंटरप्रेट, मतलब सिचुएशन एनालिसिस मॉडल को हर चीज, क्योंकि ये हर आदमी एकदम कर नहीं पाता। बट यहाँ पे यस क्या है, बिकॉज इसमें एक पैसा इन्वॉल्व है, टाइम लिमिटेड है, तो ये बहुत एक फास्ट किया हुआ वो है। मतलब ये जो सिर्फ स्वॉट एनालिसिस को कॉर्पोरेट में 4 घंटे 3 दिन करा हुआ, मतलब सिर्फ वो एक टॉपिक उसको पकड़ के। बट यहाँ का इंटेंशंस अलग है, यहाँ पे स्टूडेंट यस सर ऑडियंस अलग है, तो अदरवाइज सीक्वल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी डूइंग इट, बट यस सर उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैं उसको अभी, सिंस अभी ऑफलाइन शुरू होने वाला, तो वी आर कन्वर्टिंग इनटू रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जिसमें कि पूरे मॉडल आपने देखे होंगे, जो लिस्ट दिखाता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, फर्स्ट दिन में यस आता है ना सर टॉपिक, तो मैं तो बहुत सेलेक्टिवली लिया हुआ है, तो उन जितने भी जो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर भी नहीं कर रहा हूँ 2 वीक्स में, बट इट्स अ वास्ट लाइफ, तो बड़ा एक्सपेंड, तो उसको पूरे को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड क्लासेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। मे बी अनदर 1-2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर मैं उसको पूरा ही उसको लॉन्च कर, सो दैट विल बी अवेलेबल, एंड वहां पे कॉस्ट भी बहुत कम आ जाएगा, बिकॉज मेरे को वहां पे फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। और वहां सर जैसा मैं कंक्लूड करता हूँ कि सर एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सारे जैसे पॉडकास्ट देखता हूँ, तो जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना, मतलब अच्छे मतलब लर्नेड होते हैं, तो दे ऑल से वन थिंग दैट दे आर स्पिरिचुअल एंड दे डू मेडिटेशन. तो सर एंड स्पिरिचुअलिज्म एंड मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. तो मैंने सर ये कोर्स में मेरे को ये बहुत फायदा हुआ कि इससे मेरा एकदम बेस बना दिया सर आपने कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं मेडिटेशन भी कर सकता हूँ, मैं सेल्फ अवेयरनेस की साइड निकल सकता हूँ. तो आई रियली थैंक यू फॉर दैट सर, आई रियली अप्रिशिएट इट. मतलब अच्छी बात है कि इट इज अ वेरी यूनिक कोर्स, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कुछ होता भी है, लेकिन अदरवाइज भी सर मतलब आई थैंक यू फॉर डूइंग दिस एज अ टीचर. थैंक यू प्रतीक, अच्छा लगा, तुम्हारा फीडबैक से पता चलता है कि उस क्लासेस में जो भी हो, इट इज डेफिनेटली इंपैक्टेड मी पॉजिटिवली, एंड आई होप यस सर, यू डू वेल इन लाइफ, है ना, गॉड ब्लेस थैंक यू सर, यू। थैंक यू.